चेतन शिविर को मतलब है कि सारगर भी थी सोचे जावे तो सारगर भी थी बोले जावे। न मैं समाज सुधार पर बोल पूछ हूँ, न राजपूत एकता पर बोल पूछ हूँ, क्योंकि एक खूब ही जुमला लंबा चालगा। समाज सुधरा हुआ है, मैंने इस बात को माना है और मानता हूँ, क्योंकि समाज चंदा भी देता है, खून भी देता है, वोट भी देता है और हर तरीके से मदद करता है। इसलिए कोई ये कहे कि साहब समाज सुधारो तो मुझे बहुत पीड़ा होती है और दुख भी होता है, क्योंकि समाज सुधरा हुआ है। समाज को आपने क्या दिया ये कोई नहीं कहता। मैं 40 साल की उम्र पार कर रहा हूँ, मैंने समाज का आज तक कुछ नहीं किया, इस बात का मुझे दुख भी है। इसलिए मैं जहाँ जाता हूँ सीखने के लिए जाता हूँ। शिक्षा मैंने की, किताबी ज्ञान मैंने लिया, BA LLB की, लेकिन मैंने वहाँ उतना सीख नहीं पाया जितना मैं मेरे बुजुर्गों में रह के सीख पाया। काकोसा संग्राम सिंह जी ये कह रहे थे बुजुर्गों के पास बैठते नहीं, उसका रीज़न है कुछ आधार बुजुर्गों ने भी ऐसा बना रखा है कि बाबू सा श्याम का दो वो पीर सो जाओ तो टावर बैठ और बात भी खाएंगे। तो सारी गलतियां टावरा में भी मत काटो, कड़वी जरूर लागे, जगह सभ्य है बाकी लोग जावे टावर, मैं भी जाऊँ कया कन कया ने समझावा जानो पड़े जो लातां खा रहा वहाँ जो लातां खाबा ने पाँच ना तुड़ावा ने टावर माँ बाप कौन भेजे। तो सीधी सी बात है कि बुजुर्गों ने भी एक ये बना दिया कि दारू क्षत्रिय समाज में कहीं से लिखी हुई नहीं है कि क्षत्रिय होना दारू पीने का गोतक है, नशावर्ती घाते की है, घाते की रहेगी। ज़्यादा से ज़्यादा युवा जो मेरे छोटे भाई हैं ऐजान में जार बीर पी वो नहीं सीखे, समाज सुधार में वो बड़ो योगदान रही। बाकी बस समाज सुधार है या नहीं सुधार है, जज जगान वोट देवे या नहीं देवे, कुरूतियाँ घरों शुरू है आज क्या ना आप कुरूती कह रहे हैं भाई, कोई टाइम में रीतियाँ ही अपन ने उनको बिगाड़ के कुरूति खुद ने बनाया है। जितनी भी समाज में रीतियाँ हैं उस सब सिस्टम से थी, सबका सहयोग था। पीला चावल के पीछे राज हो पूरा परिवार ने साफ पड़ जानी कि फलान जी भाई को ब्याह कराया, अब बदनामी वाली तो सेकी वाली रीति थी, दे देना रीति थी कि सबके सहयोग से थोड़ा थोड़ा सामान इकट्ठा हो जाता, बाहर नहीं पड़ता, बदले में वापस उनके शादी होती। तो अब अपन ने बड़ा चढ़ा के सगया का माँ ने 101 थाल करबा लागा, तो रीति ने तो कुरूती, बच्चा को जन्मदिन बड़ो बड़ो वो मनाबा लागा, पैसा ठीक कमा लिया जन कंवर सार बाबू कोई गोल्डन जुबली बस मनावा सा 40 साल होगा कंवर सा ने पढ़ने ने। तो बात की टेम में मायरा की टेम मुंडो लुकाता फिरा और सिल्वर जुबलियाँ गोल्डन जुबलियाँ मनाता फिरा, तो वे किसी रीति में आवे तो आपा पाखंड ने ओढ़ लियो। भाषण में भी देऊँ मैंने बड़ी पीड़ा है कि जिकी चीज़ को भाषण देऊँ भी, पर मैं हूँ को नहीं। तो मैं 5 साल में जत्ता समाज का शिविर हुआ मैं किताब लिख में लूँ ग्राम, मैं हर एक मीटिंग में जाके मेरी एक गलती को सुधारता हूँ, क्योंकि मेरे में 100 गलतियाँ थी मैंने छाटी है। इस बात को मैं बाबूजी के थान पे स्वीकार करता हूँ, क्योंकि मैं भी छात्र राजनीति करिए राजनीति भी करूँ, गंदगियाँ सब इंसान में हुए, लेकिन बिना सुधार बाबर उत्तर जाए मैं कम उगम मारी जगह ज्यादा हूँ ज्यादा गलतियाँ भाई दिनेश सिंह को नहीं वकील बिना मारो साफ शब्द हम क्यों दिनेश इतनी लागे कि ओ मारो से हूँ बड़ो माइनस पॉइंट है, तू मैंने बेशक बता दे मैं भी छोड़वा को प्रयास करूँ। और मैं 8-7 चीज़ें छोड़ी, मारी भी स्वभाव है, मैं भी आप लोगों में हूँ, कई बार जहाँ मन कोई कह दे तो राम सिंह जी थाई काट करा तो मैं पूछ तो नहीं राम सिंह जी करी को नहीं, मैं 10 जगह राम सिंह जी के बारे में चेपया। तो मैंने जब से इन समाजों में शामिल होना शुरू किया मैंने प्रण लिया संकल्प लिया, मैं किसी भाई के लिए आलोचना नहीं करता, मुझे गुस्सा आता है तो मैं मुंह पे जरूर कह देता हूँ कि साहब आप है ना दोगलापना करते हो, पीछे से नहीं कहता। तो सुधार होता है जब आप समाज की मीटिंगों में जाओगे, सीखने का प्रयास करोगे, दूसरों के त्याग को देखोगे, तो आपको लगेगा आप ये लोग कैसा मीटिंग में कम लोग आवे। मैं कदे भीड़ में विश्वास कुंदरा क्यों आज अटे बैठा आप 50 आदमी यहाँ, काबिल पांडवाली फौज वाली बात है, हिंजड़ा की फौज की बजाय पांडवा की फौज ज़्यादा बेटर है। आप अगर 20-25 भी हैं और अगर आप सारगर भी बात करा तो 20-25 बहुत ज़्यादा वहाँ रियो सवाल कुरुतिया में आ मातावान मारो हाथ जोड़ निवेदन है कि विशेष योगदान आप कोई है, क्योंकि आदि आबादी ए है इस संसार की भी और ग्रस्त की भी। तो सारी कुरुतियाँ की मैं आना जनक ही मानूँ, बिया जनक माता है ही है। दहेज का मामला में लो महिला ही महिला की दुश्मन है, भाई भाइयों में लड़ाई नहीं होती लेकिन दोराणी जिठाणी का कौन बन है? तो बिकॉज कौन महिला ही महिला की दुश्मन, ताजुब करो आप जब ज्ञान खुद ने ठाया कि आपने भाई ने दाज जो देती टाइम कत्तो जो रहे हो, तो बेटा की बू को भी अगला ब्याह करे कत्तो जो रहा है, लेकिन अभी दे दे गांटियां कैसा आप लेनो ही है फलान जी का आयो। अरे फलान जी का कहीं आयो भी उठाने कहीं लेनो देनो के गाँव का कहीं के बोलो रावड़ा, मैं भी तो समाज को हूँ, मारे बाबू कहीं भी कहती कि गांव का कहीं गई, मैं गांव का तो नोटरी पब्लिक थोड़ी करा अपनी 15 अगस्त 26 जनवरी इनाम थोड़ी दे अपन, गांव का की चिंता छोड़ो दे,
घर में शांति की कारण हो रहे अपना घर का लोग सुखी की बात हो रहे वहां बात चीज है कि अपन ने करनी चाहिए पड़ोसियों का दुख या पड़ोसियों का सुख मतलब नहीं रखनो गांव का ऊपर चढ़े जगह ने भी ऐसे पड़े जगह ने भी ऐसे और नई बात को नौ दिन हुए एक ब्याह बढ़िया होगा तीन दिन चर्चा चाह लेकिन फलान जी आप क्यों कहा तू ज्यादा दे दियो साहब तो आ लो माताओं ने मारो निवेदन है कि मैं कत्ता ही भाषण दे लियो इस समाज को कोई सुधार को नहीं हुआ मारो प्रैक्टिकल अनुभव है क्योंकि बहना हमारे भी चार पांच है मारी मम्मीर पांच बहना है मारी दादीर छह बहना है मैं बहुत बड़ा परिवार में हूँ और परिवार में भोगू जठा तक आप लोग में सुधार नहीं आई मांगा भाषण थोता है कोरा प्रवचन है कोई सुधार नहीं हो सके मैं लिख कर दे सकूं चाहे समाज मारे जूतियां दे खाबान तैयार हूँ क्योंकि थाको सुधार नहीं हो जब समाज को सुधार को नहीं चरित्र सिखाओ थे सिखाओ थे टाबरा ने डाकिया बना दिया छोटो टाबर भी नहीं कह बाबो सा कहीं बात करे सुन रहा काको सा कहीं बात करे सुन रहा चार साल का टाबर की तो बात को विश्वास मारो छोरो झूठ ही कौन बोले अरे तो काको 40 साल को है बाप के पूट को है वो झूठ बोले बाप जो को पैदा कर दियो 60 साल को झूठ बोले बच्चा पर विश्वास कर माने डाक बना दी गठिनों बनने फिरता फिरो माया ने डाक बना दी बे अठे डाक बने दुख पाई और सास राम हमेशा जक्की बेटी को पीर में ज्यादा मन रही मारो 100% बाबू जी का हाथ करके हूँ कब कदे ससुराल में सुखी को नहीं हो सके क्योंकि बा कड़े का मूड ही रही भाई साहब है तो मारो निवेदन माता मा थाना वो है कि समाज सुधरे या नहीं सुधरे ए प्रवचन डोकरा भाई देवे या नहीं देवे आप लोगों मारो बाबू जी का थान पर निवेदन है कि थामो दो भी अपहरण कर लेवे कि साहब मैं दाइजा ले बा बात कौन करूँ दाइजा की बात कौन करूँ मारी गारंटी है समाज में सुधार की मीटिंग की जरूरत ही कौन पड़े तो था ज्यादा मैं उम्मीद रखूँ युवाओं उम्मीद रखूं कि ओ जो देश है कुरुति कोई गरीब मारो साथी बार वो नहीं कर सके बिना थे मजबूर कर दियो माए पड़ी पड़ी नहीं लोग ठोलिया दे नहीं लोग ठोलिया दे ठोलिया कथा गाव एड़ा माला माता पर रणा संगाऊ बता तो गावे ठोलिया क्या का ठोलिया बराबर का भाया का आप लोग मैंने जिमा दी और काल ने घिणा दिया दलपत सिंह मांगे चूरमो जिमे काय फर्क पड़ गो ते समाज का भाई हो जिमा दियो तैसा थोड़ी कर दियो थे करियो जन में जिम बाएगो तो आप लोगों मारो निवेदन है माता मा के समाज सुधार में थोड़ो सो सहयोग करो आप बुजुर्ग हो एक पीढ़ी ने दूसरी पीढ़ी देर जाओ बेटी में और बू में फर्क मत करो क्योंकि बेटी ने टर्निंग आ दे रहे हैं कि थारे मोटरसाइकिल देवर ने मत चलावा दीजिए टीवी मार मेल जाए बगस का ताड़ो दे जाए बस बना फौजी ढूंढिया जो तू जम्मू कश्मीर चली जाए और अच्छा बू उम्मीद करो कि आयोडी नणंद ने जो चौका बेस का ऑर्डर देवे और मांगे पगा लागे दोनों बातें को नहीं हुए एक म्यान में दो तलवार को नहीं हुए या तो बाया ने भी सिखाओ कि घर नहीं तोड़े या आंख हो घर तोड़ रहा है तो मांगे घर बढ़ जाए मत मारी गारंटी है कि घर में कलेश हो जाए आज मैं तीन भाइया मैं 20 साल हूँ शादीशुदा हूँ एक 14 साल हूँ और चार हूँ मारो प्रण हो न्यारो को नहीं हूँ मारो मार बात जी देते मैं साबित करी हूँ बिना गोरा भाषण देवा को नहीं हूँ कुचामण ज्ञान का शहर में मैं दोनों बहन सागर रखू सब संभव है लेकिन आपने त्याग करना पड़ी कुछ कर दिखाना पड़ी कोरा प्रवचन हूँ भाई ने भाई को अनुसारियो राजपूत समाज की लड़ाई को सब मोटो आधार है कि सिर्फ नाड़ी और चूसरी की आपने दिल में जगह अति बड़ी बन गई कि बिना पारक मान लियो सारा राजपूत अगर नाली बना वो छोड़ दे और गुआड़ में बड़ वो छोड़ दे मारी गारंटी है राजपूत समाज में को लड़ाई को कारण ही को नहीं लेकिन बड़ा बड़ा चूत यहाँ बढ़िया बढ़िया नाली के बेई तो करे दूसरी कदे बात चाल रहे कोई मारो साथी गेलो आदमी कह दे जाना जी मैं तो सबड़ा ईसाई है सबका टावर ईसाई और तो सबका